वेलकम टू एडू अटैक। डियर मैजिकल माइंड्स जितने भी हैं, प्लीज हमारे फ्री एजुकेशन के मोटिव को पूरा करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर ई करेस्पोंडेंस में हम आज वेब ब्राउजर को देखने जा रहे हैं। ये पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, एग्जाम में आपको बहुत कंफ्यूज किया जाता है सर्च इंजन और वेब ब्राउजर के बीच में। तो वेब ब्राउजर एक अलग चीज होती है, सर्च इंजन एक अलग चीज होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर जितने भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सब वेब ब्राउजर है। आपको एमसीक्यू में दे दिया जाएगा कि फॉलोइंग में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो आपका वेब ब्राउजर है या सर्च इंजन है। तो डियर याद रखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, जो लोग जनरली मैक एप्पल का मैकबुक यूज़ करते हैं वहाँ पे सफारी जो है वो आपका वेब ब्राउज़र रहता है। या हम बात करें कैप की, कैमिनो की, सी मंकी की, ओपरा की, ये सब वेब ब्राउज़र हैं। तो बेसिकली अगर आपको वेबसाइट्स को विज़िट करना है, एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर डियर आपको वेबसाइट वेब पे पहुँचना है तो आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको वेब को एक्सेस करना है, टू एक्सेस फॉर वेब आप किसका यूज करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम है वेब ब्राउजर। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि वेब को एक्सेस करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है तो उसका नाम है वेब ब्राउजर। और अक्सर आपको सर्च इंजन या वेब ब्राउजर्स का नाम देकर उसमें वेब ब्राउजर या सर्च इंजन आपको पूछते हैं कि फॉलोइंग में से कौन सा सर्च इंजन है या फॉलोइंग में से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो जनरली आप लोगों ने क्या किया होता है, जैसे मैं क्रोम की बात करूं तो गूगल क्रोम आप जैसे ही खोलते हो आपको गूगल सर्च इंजन दिखता है। तो आपने सेटिंग्स में जाकर मे बी वहाँ पे सर्च इंजन के तौर पे क्या है, गूगल जो है वो आपने डाल रखा हो, इसलिए आपका क्रोम ओपन करते ही गूगल सर्च इंजन जो है वो ओपन होता है। लेकिन सर्च इंजन अलग चीज़ होती है और वेब ब्राउज़र अलग चीज़ होती है। अगर आपको इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट को विजिट करना है तो आपको वेब ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा। वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र का हम यूज़ करते हैं, राइट। तो जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं। लिंक के लिए मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में हाइपरलिंक का मतलब ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। उस वो आपको रिट्रीव हो सकती है, वो आपको डिस्प्ले हो सकती है। वेबसाइट जब तक आप आपके पास वेब ब्राउज़र नहीं होगा तब तक आप वेबसाइट्स नहीं देख सकते। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी वेब को यूज़ करने के लिए आपके सिस्टम पे वेब ब्राउज़र होना चाहिए। जो वेब ब्राउज़र है, जो वेब पेजेस के पीछे मैंने आपको बताया था HTML लैंग्वेज होती है, HTML टैग्स को और उसके कंटेंट को वो एक विजिबल फॉर्म में आपके सामने लाते हैं, विजिबल एक ऐसे फॉर्म में जिसको आप समझ सकते हो, देख सकते हो। क्योंकि जब आप HTML को टैग्स के साथ देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो वेब पेज HTML में डिज़ाइन किया गया है उसको आप वेब ब्राउज़र के थ्रू एक इंफॉर्मेटिव फॉर्म में आप देख पाते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि सर्च इंजन क्या होता है। तो याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स डियर, कीप लर्निंग।